बात है यार, फिजिक्स की कम से कम 7-8 क्वेश्चन जल्दी 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 कॉन्सेप्ट से कर लोगे अगर अच्छी फैकल्टी और अच्छे एजुकेशन से अच्छी जगह पढ़ाई की हो तो। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए हाइड्रोजन एटम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो सर्कुलर रेडियस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और इसकी न्यूक्लियाई ये इसकी ये जेड ई है। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन है तो चार्ज की वैल्यू ई ही होगी, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन, और ये रेडियस आर है। तो कहता है कुलामिक फोर्स, देखना ध्यान देना, वेक्टर में लिखना है, कुलामिक फोर्स की वैल्यू लिखना है वेक्टर के टर्म में लिखना है, ठीक है। चलो पहले स्केलर फॉर्म में लिख लो, तो स्केलर फॉर्म में अगर लिखोगे बच्चों तो इन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो होता है 1π4π ε0 इज इक्वल टू Q1Q2 ओवर R का स्क्वायर, या Q1Q2 ओवर R का स्क्वायर, यहाँ Q1 और Q2 आपस में इक्वल होंगे E होगा, तो ये आ जाएगा KE² ओवर R का स्क्वायर, दैट इज द फोर्स। ये कौन सा फोर्स है यार? ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म निकालना है यार, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म निकालूं तो इस इक्वेशन को, ये स्केलर फॉर्म है, इस इक्वेशन को मैं वेक्टर बनाऊंगा। स्केलर को वेक्टर कैसे बनाएंगे यार? स्केलर है, उसको वेक्टर कैसे बनाएंगे? अगर किसी स्केलर में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस वो स्केलर में एक मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें एक डायरेक्शन ऐड हो जाता है, तो वो स्केलर वेक्टर बन जाएगा। भाई मेरे पास 100 रुपया है और मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं कितना अमीर होऊंगा? कभी नहीं अमीर होऊंगा, हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 100 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं 1 के साथ किसी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 रुपीज़ तो रहेगा, प्लस में डायरेक्शन ऐड हो जाएगा। तो बात वही है, तो इसमें मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस स्केलर को मैं वेक्टर बनाऊंगा, इसके सर के ऊपर एरो चढ़ाऊंगा, टोपी पहनाऊंगा इसको, और KE² ओवर R² पहले था, और यूनिट वेक्टर आर कैप से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इधर एक ही वेक्टर है यार, के और ई स्केलर है। अब हम सबको पता है, 11th में पढ़ के आए थे, यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो यह आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ एक गलती हो गया, करोगे याद तो गलती हो गई है। जब हम वेक्टर लिख रहे हैं तो हम साइन लिखेंगे, के चार्ज ऑन प्रोटॉन और माइनस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सभी के साइन लिखेंगे। तो यह आ जाएगा माइनस की E² ओवर R की पावर Q और वेक्टर R कैप, दैट इज द फोर्स। ये एक्चुअली वेक्टर इक्वेशन है, और ये बता रहा है कि जो फोर्स, अब मतलब अगर इसको अच्छे से अगर देखोगे तो जो फोर्स है, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि अगर यहाँ से न्यूक्लियस और इनमें जो डायरेक्शन है, निगेटिव साइन बता रहा है, एफ और आर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। समझने की कोशिश करना, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन भैया चक्कर लगा रहा है, तो अगर मैं यहाँ से ओरिजिन सेट करता हूँ 0,0, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो आर ऐसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और आर अगर पोजीशन वेक्टर बनेगा तो तुम फोर्स किस पे निकाले हो? तो फोर्स तो इलेक्ट्रॉन पे निकाला गया, तो फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन पे निकाला गया तो अट्रैक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो निगेटिव साइन का मतलब ये है कि अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे लगेगा, पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा, दिस इज द। तो ये आपको बेहतर तरीके से मज़ा आ गया होगा। चलो, ये एक्सरे का क्वेश्चन है बेसिकली, और ये जो क्वेश्चन है